क्वेश्चन नंबर 23, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द गिवन कर्व वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, एक्स इज इक्वल्स टू -3, एक्स इज इक्वल्स टू 3, वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय देम यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, आपको कर्व दिया है जिसके अंदर मॉड्यूलस फंक्शन आ रहा है। अब इस मॉड्यूलस फंक्शन की दो वैल्यूज होती है, ये चीज़ आप जानते हैं। अगर मैं मॉड एक्स लेता हूँ तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो माइनस एक्स होता है ये अगर लेस देन 0 है, 0 अगर इज इक्वल टू 0 है, या फिर एक्स इफ ग्रेटर देन 0 है। तो ये चीज़ आप जानते हैं। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अगर हम इसकी बात करें तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, माइनस एक्स प्लस 1 होगा अगर लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज लेस देन माइनस 1, इसको सॉल्व करने पे एक्स प्लस 1 0 के इक्वल होगा अगर एक्स माइनस 1 होगा, फिर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा अगर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए कि एक्स प्लस 1 दोनों जगह प्लस वाली वैल्यू आपको मिल रही है अगर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मतलब इसको देख के आप ये बोल सकते हैं कि अगर एक्स इज लेस देन माइनस 1 है तो ये फंक्शन कैसा मिल रहा है आपको, नेगेटिव, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 है तो ये फंक्शन कैसा मिल रहा है आपको, पॉजिटिव। ठीक, ये चीज़ आप समझ गए हैं, क्योंकि 0 आपका नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, तो उसको मिटार के मैं लिख देता हूँ अच्छे से, मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन माइनस 1, और प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक, अब इन दोनों जगह आपको 1 और प्लस करना है तो 1 प्लस कर लीजिए, तो ये y इज इक्वल्स टू 1 प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस 1, और 1 प्लस एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन माइनस 1, और इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका माइनस एक्स, तो मैं यहीं पे इसको मिटार के लिख देता हूँ, ये है आपका माइनस एक्स और ये है आपका 2 प्लस एक्स। ठीक, अब देखिए आपको ऐसा करने से दो लाइनें मिल रही है, वी हैव टू लाइन्स, एक है आपकी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स और एक y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब इन दोनों को हम प्लॉट कर लेते हैं। हाँ, और प्लॉट करने से पहले हम इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। देखिए y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसको आपने यहाँ पे पुट किया तो ये क्या मिल जाएगा आपको, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब x माइनस 1 है तो y क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस 1, 1, या थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ी हो गई थी तो उसका मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है, और बाकी ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं 0, 2, -2, 0, ये इन दोनों लाइन के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो आपकी ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, ये वाली लाइन आपकी क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, जो कि ओरिजिन से पास हो रही है यहाँ पर, और माइनस 1, 1 से पास हो रही है। उसी तरह से आपकी दूसरी लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसमें आपने x को 0 रखा तो y 2 आया, माइनस 1, 1 ये तो पॉइंट कॉमन था, x को माइनस 2 रखा तो y 0 आया, तो देखिए माइनस 2, 0, माइनस 1, 1 ये तो था ही, और एक 0, 2। ठीक, और बाकी आपकी दो लाइन्स और x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3, ये दोनों तो आपकी वर्टिकल लाइन्स होगी पैरेलल टू y एक्सिस, ये आप जानते हैं। ठीक, अब इन सबके बीच का आपको एरिया निकालना है। ठीक, तो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा आपका इन सबके बीच का, ये वाला देख लीजिए आप, ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है माइनस 1, 1, यहाँ से एक लाइन ड्रॉप कर दीजिए तो ये क्या मिल जाएगा आपको, माइनस 1, 0। बाकी आपको पॉइंट्स की ऐसा ज़रूरत नहीं है, हमने लाइन प्लॉट करने के लिए ज़रूर बना दिए हैं, अगर आप इनको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो माइनस 3, माइनस 1 और एक 3, इन सब लाइन्स के बीच में ही आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक, चलिए अब y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये जो आपकी लाइन है इसके लिए x की लोअर लिमिट क्या है, माइनस 3, और अपर लिमिट क्या है, माइनस 1, ये आप समझ गए हैं। देखिए ध्यान से, ये इसके अगर मैं नाम देता हूँ a, इसका b, इसका c और इसका d, तो ये ट्रपेजियम बन रहा है, यहाँ पर a है आपका, इधर b, इधर c और इधर d, और आपकी जो cd है ये आपकी क्या है, लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक,
तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, माइनस वन कॉमा जीरो, और ए के कोऑर्डिनेट माइनस थ्री कॉमा जीरो। ठीक, तो इसके लिए लोअर लिमिट माइनस थ्री, अपर लिमिट माइनस वन। अब उसके बाद आप ये देखिए, आपकी ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ये लाइन भी आपका एक ट्रेपेजियम बना रही है, इसको आप नाम दे दीजिए चाहे तो, इसको e और इसको f। ठीक, ये देखिए ये ट्रेपेजियम आपका इस तरह से बन रहा है। अगेन ये आपका c और ये b और यहाँ पे f और ये e। ठीक, b के कोऑर्डिनेट्स माइनस वन कॉमा जीरो और e के कोऑर्डिनेट थ्री कॉमा जीरो, तो x की लोअर लिमिट माइनस वन, अपर लिमिट थ्री, इन दोनों का को प्लस करना है तो शेडेड रीजन का एरिया निकल पाएगा। ठीक, तो एरिया, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन माइनस थ्री टू माइनस वन, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस वन टू थ्री, ये क्या थी आपकी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक, ये वाली लाइन, इसको थोड़ा एरो इस तरफ पढ़ देता हूँ मैं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और हाँ यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं, ये सी एफ आपकी, तो एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक, इसको आपने सॉल्व किया तो माइनस साइन आपने भर लिया, वैसे तो ये मोड में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस ही रहेगा ये, एक्स स्क्वायर बाय टू, ये आपको मिल रहा है माइनस वन बाय टू बाहर, माइनस वन का स्क्वायर माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर, फिर प्लस वन बाय टू बाहर, थ्री का स्क्वायर माइनस माइनस वन का स्क्वायर, फिर प्लस टू, थ्री माइनस ऑफ माइनस वन, ये दोनों कैंसिल करें तो ये फोर हो गया, और यहाँ पर ये भी फोर हो गया, प्लस फोर प्लस फोर प्लस एट, तो फोर प्लस फोर प्लस एट, ये आपको मिल रहा है सिक्सटीन स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं जो कि इजी थे। 24 है आपका, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू इज, ये आपको बताना है। और इसमें आप देखिए, आपको शुरुआत में दे रखा है वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, एक इक्वेशन आपकी ये है, एक ये है, आपने दोनों को इक्वेट करा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, दिस इम्प्लाइज टेन एक्स इज इक्वल टू वन, क्योंकि साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स होता है, या आप कॉस एक्स बाय साइन एक्स करिए कॉट एक्स, दोनों आपके इक्वल टू वन ही आएंगे, और टेन पाए बाय फोर कॉट पाए बाय फोर, ये आपका वन होता है, तो इफ टेन एक्स इज इक्वल टू वन या कॉट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू पाए बाय फोर। अब कंडीशन के मुताबिक इन्होंने क्या बोला था आपको, एक्स की वैल्यू पाए बाय टू और जीरो के बीच में होना चाहिए, तो पाई बाय फोर वैल्यू बिल्कुल सही है, जीरो और पाई बाय टू के बीच में आ रही है। ठीक, अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, क्योंकि आपको इन दोनों के बीच में जब एक्स पाई बाय फोर हो तब, या एक्स की अपर लिमिट पाई बाय फोर हो तब, बाउंडेड रीजन क्या होगा वो निकालना है। आपने जब इसका ग्राफ बनाया रफली, तो आप जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ कैसा रहता है, इस तरह का, और कॉस एक्स का इस तरह का। कॉस एक्स जब जीरो होता है तो ये वन से स्टार्ट होता है, और साइन एक्स जीरो से स्टार्ट होता है। मैंने पूरा नहीं बनाया है, जितनी मुझे ज़रूरत थी उतने मैंने बनाया। अगर हम पाई बाय टू तक देखें तो पाई बाय टू में देखिए आप, कॉस जीरो होता है और साइन वन होता है, खैर पाई बाय टू की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर अपन पाई बाय फोर में देखें तो पाई बाय फोर में आप देखिए, छोटा सा ये जो रीजन आ रहा है आपका शेडेड रीजन, यही वो रीजन है जो कि इन दोनों के द्वारा एनक्लोज्ड है, और इस पाई बाय फोर पे वैल्यू कितनी होती है, वन बाय रूट टू, ठीक, 0.707 समथिंग कुछ, तो ये थोड़ी सी नीचे रहेगी, इसीलिए आप देखिए इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ठीक, अब शेडेड रीजन के लिए आपकी एक्स की लोअर लिमिट क्या है, जीरो, और अपर लिमिट क्या है, पाई बाय फोर, ये आपकी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाय फोर कॉस एक्स डी एक्स, क्यों, क्योंकि कॉस एक्स का ग्राफ जो है ये ऊपर की तरफ है, आप देखिए ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है साइन एक्स से, इसीलिए ये बड़ा होगा, और आप जानते भी हैं कि कॉस और साइन पाई बाय टू तक जब जाते हैं तो कॉस बड़े से छोटा होता है और साइन छोटे से बड़ा होता है, कॉस डिक्रीजिंग होता है और साइन इंक्रीजिंग होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए कॉस एक्स डी एक्स माइनस अभी जो साइन वाला है इसमें भी जीरो से पाई बाय फोर साइन एक्स डी एक्स। ठीक, अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स जीरो से पाई बाय फोर आपने लिमिट चढ़ाई, फिर साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस। अब वैल्यूज डालने के बाद साइन पाई बाय फोर माइनस साइन जीरो कॉस पाई बाय फोर माइनस कॉस जीरो, वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, टू बाय रूट टू माइनस वन, अब टू बाय रूट टू में क्या हुआ यहाँ पे,
ये रूट टू से अपर टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा रूट टू, तो रूट टू माइनस वन स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर है। ठीक, छोटा ही क्वेश्चन था। देन 25th, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल 6th क्वेश्चन जैसा है, एक बार पढ़ देता हूँ मैं। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। आपका जो 6th क्वेश्चन था उसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था ओनली, और यहाँ पे जो लाइन है आपकी एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2, ये क्या होती है आपकी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाय 4। 6th क्वेश्चन में ओनली एक्स प्लस 2 था, देख लीजिए आप, यहाँ एक्स प्लस 2 है तो यहाँ पे एक्स प्लस 2 बाय 4 है, यहाँ ओनली वाई है तो यहाँ पे 4y है, बाकी पूरा वैसे ही है। क्वेश्चन 6 को जब आपने सॉल्व किया था तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी थी, माइनस 1 से 2 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, सब वैसे ही रहेगा, बस अपॉन में 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर है 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें अगर आप चाहें तो 1/4 पहले से बाहर निकाल लीजिए तो आपका क्वेश्चन 6 जैसे ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 6 का आपका आंसर आया था 9/2, 9/2 इंटू 1/4 9/8। ठीक, जितना मुझे लगा इतना मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए इसके बाद आपका 26th क्वेश्चन, 26th भी आपके क्वेश्चन 8 जैसे ही है। क्वेश्चन 8th में आपको इक्वेशन दे रखी थी y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको दे रखी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे आपने 8th में किया था। इसमें आपका आंसर था 2π स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8π स्क्वायर यूनिट्स। तो 25th और 26th इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम थे इसलिए मैंने सॉल्व नहीं करे। क्वेश्चन नंबर 27th, एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस द लाइन y इज इक्वल्स टू x एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 इज। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आपको जो लाइन दे रखी है y इज इक्वल्स टू x, ये आप जानते हैं इस टाइप की रहती है। ठीक, और सर्कल आपका कैसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स 32, मतलब इसका सेंटर ओरिजिन पे आ रहा है, तो उसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। इसको अच्छे से बना देता हूँ मैं, इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा। ये आपका सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, और ये आपकी लाइन है एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि आपको एरिया निकालना है बाय द एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल्स टू एक्स और ये सर्कल, तो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इन तीनों के बीच का जो एरिया होगा वो ये होगा शेडेड, और कहीं नहीं होगा। अब यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉप करते हैं वर्टिकल इस तरह से, उसको नाम दे देते हैं डी, तो आप देखिए आपको एरिया ऑफ ओ डी बी प्लस एरिया ऑफ बी डी ए ये करना है, क्योंकि इसमें भी शेडेड रीजन आ रहा है। अब ओ डी बी जो ट्रायंगल आपका बन रहा है इसमें आपकी लाइन आ रही है वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो आपको इसके लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालना पड़ेगी। देन बी डी ए के लिए आपको ए के कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेंगे। अब ए के कोऑर्डिनेट तो बहुत ही ईजी है, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 32। ये सर्कल की इक्वेशन किस तरह से दे रखी है आपको, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और 32 क्या होता है आपका 4√2 का स्क्वायर। ठीक, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा आप गेसिंग कर सकते हैं, यहाँ पे 32 की जगह 16 होता तो 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, और 16 में 2 का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 32 मिलता है, तो 2 किसका स्क्वायर है √2 का, तो 4√2 इसका होल स्क्वायर, तो आपके एक कोऑर्डिनेट हाथों हाथ आपको मिल गए 4√2, 0, क्योंकि OA आपका रेडियस है, ये इस कर्व की अपर लिमिट हो गई। अब डी के कोऑर्डिनेट के लिए आपको बी के कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेंगे, वो कैसे निकलेंगे जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों सॉल्व करने का आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो अगेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 4, माइनस 4 आपको नहीं चाहिए प्लस 4 ही चाहिए, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील कर रहे हैं, तो आपको बी मिल जाएगा आपको 4, something y की ज़रूरत नहीं आपको, तो d कितना हो जाएगा आपका 4, 0। ठीक, इनको अलग से बना देता हूँ मैं, ये आपका ट्रायंगल है ओ डी बी, इसमें d है आपका 4, 0, ओ है आपका ओरिजिन 0, 0, और एक आपका ये कर्व इस तरह का है, ये ओ बी ए, ए है आपका 4√2, 0, और ओ है आपका 0, 0, या आप इस पूरे को ना ही बना चलेगा, इतना बना लीजिए इसको इस तरह से, ये डी है आपका 4, 0, ये दोनों शेडेड हैं तो ये प्लस ये, ऐसा आपको करना है। ठीक, चलिए तो एरिया ऑफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ डी बी प्लस एरिया ऑफ
डी ए बी, हाँ ओरिजिन 0, 0 इधर लिखा नहीं था मैंने, लिख दीजिएगा आप। तो ये इंटीग्रेशन 0 to 4, इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू x, तो x डी एक्स, वेरी सिंपल। फिर प्लस इंटीग्रेशन इस कर्व की इक्वेशन, आपका सर्कल, ये क्या है आपका y इज इक्वल टू 32 - x² इसका अंडर रूट, या 4√2 इसका अंडर रूट, ठीक डी एक्स, और इसकी लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 4√2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा x² / 2, 0 to 4, ये फॉर्मूला बहुत बार आ गया, अब तो आपको याद हो गया होगा अच्छे से, नो डाउट, x/2 अंडर रूट, ये 32 - x² डायरेक्ट कर दीजिए इसको, फिर प्लस 4√2 का स्क्वायर बाय 2, a² / 2 साइन इनवर्स x/4√2, और यहाँ पे आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट 4 और 4√2, ठीक, ये आपको मिल रहा है 16² - 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, 16/2, 0 नहीं लिख रहा मैं। फिर यहाँ पर इधर आपने 4√2 डाला, तो देखिए ये क्या हो जाता आपका 4√2/2 और अंडर रूट 32 - 4√2 का स्क्वायर, तो 4√2 का स्क्वायर मतलब 32, 32 - 32 0, तो ये आपको 0 मिल जाएगा पहली बार में। फिर प्लस यहाँ पे 4√2 का स्क्वायर मतलब 32/2, 16 साइन इनवर्स ऑफ 4√2/√4√2, देन माइनस 4/2 अंडर रूट 32 - 4² मतलब 16, फिर माइनस 16 साइन इनवर्स 4/4√2, ऐसा आपको मिल रहा है, सिर्फ एक जीरो मिल रहा था, यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गए, ये 1 मिल गया, यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गए, तो ये 1/√2 मिल गया। ये है आपका 8 + 16 साइन इनवर्स 1 की जगह साइन π/2, और यहाँ पर -2, तो √16 मतलब 4, तो (4), फिर यहाँ पर -16 साइन इनवर्स √2 मतलब साइन π/4, ठीक है, आपको वैल्यूज इस तरह की लेनी है, π/4, π/2 की फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये है आपका 8 प्लस, तो 8 और 8 कैंसल, यहाँ आपको मिल गया 4π स्क्वायर यूनिट्स, ठीक, ये है आपका आंसर नंबर बी।